बड़ी खबर इस वक्त श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका के कैंडी इलाके में मुस्लिम और सिंघला आबादी के बीच दंगे हो रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच हिंसा को देखते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने की तैयारी हो रही है और ये जो इमरजेंसी है वो 10 दिन के लिए लगाई जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त टीम इंडिया श्रीलंका में है, जहां आज त्रिकोणीय T20 सीरीज चल रही है और शाम को आज कोलंबो में श्रीलंका और भारत के बीच पहला T20 मैच भी होना है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बन रहे हैं उसे देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैच की सुरक्षा के लिए तो निश्चित रूप से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि इमरजेंसी के हालात वहां अगर लागू किए जा रहे हैं, ये बताता है कि हालात श्रीलंका सरकार के लिए भी चिंताजनक हैं और ऐसे में किसी भी भारतीय के लिए चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम अब श्रीलंका में सीरीज के लिए वहां मौजूद है। हालांकि जो सरकार की तरफ से बयान आया है उसके मुताबिक ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लगाया गया है, क्योंकि चूंकि श्रीलंका के अंदर स्टेट्स उस तरीके से नहीं है, इसलिए लोकलाइज्ड इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। एक एहतियात के कदम के तौर पर कैंडी में, चूंकि जो कैंडी का इलाका है श्रीलंका का, वहां पे सिंघला और मुस्लिम आबादी के बीच में दंगे की घटनाएं कल से हुई और इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से छुटपुट कुछ घटनाएं हो रही थी और कल चूंकि हिंसा बढ़ जाने के बाद से ही इस तरह का कदम सरकार ने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा के लिहाज से पूरी एहतियात बरती जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।